हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आ चुके हैं आपके लिए फिर से एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के। दोस्तों आज के वीडियो में हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, बल्कि आप मेरे पास जो देख रहे हैं ये आपने हमारे वीडियो में देखा था, अनबॉक्सिंग हमने इसकी करे थे और इसके पहले भी हमने इस टाइप के स्काई फर्ट लाए थे जिनकी टेस्टिंग आपको हमने वीडियो में दिखाई थी। काफ़ी शानदार होता है दोस्तों, ये आसमान में जाकर के बहुत ही बढ़िया कलाकारी करता है। कई तरह के रंग बिरंगे इसमें से कलर निकलते हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है दोस्तों। तो मैं बचपन में जब मैं छोटा था तब मैं सोचता था कि दोस्तों इसके अंदर कितने प्रकार के ऐसे कलर रहते हैं या क्या रहता है ऐसा जो आसमान में जाकर के इतना बढ़िया से फटता है और इतने रंग बिरंगे हमको नज़ारे देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो आज आप मेरे पास देख रहे हैं कि ये है मेरे पास ग्लाइंडर और ये है एक पायली। इसको मैं दोस्तों इसे कट करूंगा और देखता हूं कि इसके अंदर किस तरीके का फेटअप रहता है, क्या रहता है कि इससे इतना ज़्यादा मज़ा आता है हमें आग लगाने के बाद। तो आप करो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है। तो मैं करता हूं इसको काटने के लिए रेडी। तो दोस्तों इसमें से मैंने एक पायली को अलग निकाल लिया है, एक स्काई शॉट को अलग निकाल लिया हूं मैंने। अब इसको मैं दोस्तों काटने वाला हूं, बाकी को अलग रख देते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको यहां पे छेद करके देखता हूं कि इसके अंदर से क्या निकलता है ऊपर से। तो दोस्तों एक सीधी सी पन्नी है और उसके नीचे एक कागज लगा हुआ है, इसको मैं निकालता हूं। और अभी दोस्तों इसके अंदर कुछ नहीं है और यहां पे देखने में कुछ समझ नहीं आ रहा, एक कागज ही बस लगा हुआ है तो इसे मुझे काटना ही पड़ेगा। तो चलिए मैं इसको काटता हूँ। और आप दोस्तों ऐसा घर पे ट्राई मत करना। और दोस्तों काटते वक्त मुझे ये भी सावधानी रखनी है कि इसमें आग न लग जाए, क्योंकि ये कागज है और काफी तेज चलने की वजह से यहाँ पे धुआं उठता हुआ मुझे दिख रहा था। तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके काटने वाला ताकि एकदम से गर्म ना हो जाए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसको मैंने इधर से और इधर से पूरा काट दिया है, यहाँ से और यहाँ से मैंने काट दिया। अब मैं इसको ऐसा खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हाँ दोस्तों मैं खोल पा रहा हूँ इसे। वाओ दोस्तों ये तो बहुत अलग सा सेटअप है। इसके अंदर देखिए ये बत्ती इस तरीके से है और आपको मैं अंदर से इसको दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हैं ये जो बारूद है इसके छोटे छोटे दाने बने हुए हैं दोस्तों। और यहाँ पर वेट के लिए मट्टी लगाई गई है और इसके अंदर देखिए ये यहाँ पर तो सिर्फ बारूद है दोस्तों। तो ये जो बारूद है मुझे लगता है कि ये जो इनिशियल जब ये इस पर हम आग लगाते हैं शुरुआत में और नीचे पर जो ब्लास्ट होकर के जो कलाकारी और जो रंग बिरंगे फायर हमको दिखने मिलती है वो इससे मिलती है, जो ऊपर जाता होगा वो मुझे लगता है ये है दोस्तों वो मेन भाग। यहाँ पर आग लगती है नीचे से आकर के, बारूद जलता हुआ नीचे जाता होगा और यहाँ पर आग लगती होगी और फिर ये ऊपर जाता है एकदम रॉकेट की तरह। काफ़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। इसको भी मैं काटता हूँ और देखने इसके अंदर क्या है। ये तो आप समझ चुके इसके अंदर क्या था, एक बेसिक पाइप था दोस्तों, उसमें थोड़े से दाने हैं जो कि बत्ती को जब हम लगाते हैं तो इन दानों में आग लगती है और ये फिर इसमें आग लगाती हुई नीचे से आग लगाते हुए ये ऊपर आग लग जाती है और ये ऊपर चले जाता है। अब मैं इसको काटता हूँ। तो दोस्तों इसको भी मैंने कट कर लिया अच्छे से और इसके अंदर तो एकदम बारूद ही निकल गया है दोस्तों, जो बारूद हम रॉकेट में या बम में देखते हैं, वीआईपी बम के अंदर जो होता है वही बारूद है इसके अंदर। और आप देख सकते हैं कि वाओ यार दोस्तों ये तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है। ये देखिए आप, ये था बिल्कुल दोस्तों रॉकेट के जैसा सिस्टम, जहाँ से इसमें नीचे से आग लगती थी ये ऊपर आता था। और ये जो दाने आप देख रहे हैं इसके अंदर, आप देख सकते हैं बॉल्स है, काफ़ी सारी बॉल्स है। मुझे लगता है ये बॉल्स ही है जो आसमान में जलती हुई जाती है और बाद में आसमान में जब ये जलती है तो पूरी तरीके से फूटती है और ये एकदम कलर कर देती है आसमान में, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो ये एकदम बारूद ही है दोस्तों। मैं ट्राई करता हूँ, ये जो बॉल अलग से दिख रही है इसमें आग लगाता हूँ और देखता हूँ कि ये अकेली बॉल जो है ये किस तरीके से काम करती है। इसको मैं यहाँ से साफ करता हूँ और फिर इसमें लगाता हूँ दोस्तों आग। तो दोस्तों ये था ब्लैक वाला बारूद जो अंदर से निकला है और जो सबसे अंदर से निकला ये बॉल और ये वाला बारूद जो सिल्वर कलर का बिल्कुल। मैं इनको थोड़ी देर के साइड में रख के यहाँ पर लगाता हूँ इनका सेटअप, दो अलग अलग जगह में इनको थोड़ा थोड़ा रखता हूँ और इनको लगाता हूँ आग और देखता हूँ कि किस तरीके से काम करते हैं। बहुत ज़्यादा बॉल्स नहीं रखता दोस्तों, ताकि रिस्क ना हो जाए काफ़ी। तो मैं थोड़ा कम रखता हूँ बारूद। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट करके बताना, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया दोस्तों। मैंने पहली बार ऐसा कुछ देखा है अंदर से कैसा रहता है करके। ये बॉल्स मैंने रख दी। तो दोस्तों ये जो बॉल्स थी, बॉल में फटने वाला भी सिस्टम था दोस्तों। तो आसमान में जाके जो बहुत सारा तिल 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 किटकैट जैसी कुछ आवाज़ होती है,
वो इन्हीं वॉल्व की वजह से होती है। अब देखते हैं कि जो काली वाली छोटी वॉल्व थी जो बाहर साइड से थी और सबसे पहले इन्हीं में आग लगती है, इनका क्या काम है वो भी हमको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों हमने दोनों तरीके के फंक्शन देख लिए कि सिल्वर वाला बारूद जो मेरे हाथ पर लगा हुआ है ये किस तरीके से काम करता है, और जो काली वाली बॉल्व अंदर से निकली दोस्तों ये तो बिल्कुल फुलझड़ी की तरह ही जलती है, कलर करती है। आपको वीडियो कैसा लगा, आपने क्या इसके पहले कभी देखा था कि बम के अंदर कैसा रहता है, स्काई शॉट के अंदर क्या रहता है, आपने कभी खुद से देखा था, ट्राई किया था, आपका क्या एक्सपीरियंस था कमेंट करके आप मुझे बताइए। वीडियो कैसा लगा ये भी आप, वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। अब जो दो हमारे पास स्काई शॉट बचे हैं दोस्तों उनके लिए, उनके साथ भी हम कमाल के कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।